हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, मुंबई, नागपुर, पुणे ये हमारे हॉस्पिटल्स हैं। मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों का हम इलाज करते हैं। रिश्तेदारों के साथ में, रिश्तेदारों के अलावा उनको भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुँच सकेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या, कॉन्शियस माइंड क्या है और वो कैसे कंट्रोल करता है। अभी हमने देखा ये कि भाई सबकॉन्शियस माइंड क्या है। अब ये देखने के बाद में हमको ये देखना है कि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कैसा प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमको कंट्रोल कर रहा है। फिर जो भी हमको कुछ करना है, हमारे जीवन में बदलाव लाने का है, बर्ताव लाने का है, बदलाना है, वो हमने कॉन्शियस माइंड से ठहरा के तो कुछ होने वाला है नहीं। जब सबकॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल कर रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच रहे, उससे बात करो तो उससे कैसी बात हो सकती है। नंबर एक, पहला तरीका कि जब हम कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे वीडियो देखते हैं, अच्छे कॉन्फ्रेंसेस, अच्छी मीटिंग्स, अच्छी कंपनी में बैठते हैं और जो भी कुछ हम सब अंदर पॉजिटिव 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 डालते रहते हैं, इतना मटेरियल हम डालेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक चले जाएगा, नंबर एक। क्योंकि उसमें हम रोज़ सवेरे उठ के यदि मैं अच्छा वीडियो देखता हूँ, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो देखता हूँ कि भाई सिगरेट पीने के क्या नुकसान है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, सिगरेट पीने से कितने कितने कौन से कितने लोगों को प्रॉब्लम हुआ, ऐसा मैं सब देख लेता हूँ और फ़ायदे क्या क्या है सिगरेट नहीं पीने के, वो बार बार जब वो अलग अलग वीडियोस, बुक्स वगैरह पढ़ूंगा तो उसका सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर असर होगा, नंबर एक। नंबर दो, सबकॉन्शियस माइंड को जब इमोशनली चार्ज हम करते हैं, इमोशनली चार्ज, तो सबकॉन्शियस माइंड तक हम पहुँच सकते हैं। मतलब कैसा है कि जब जब हम इमोशनली चार्ज है, हम बहुत दुख में हैं, कुछ भी चीज़ अंदर डालो वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी। हम बहुत खुशी में हैं, कुछ भी चीज़ आप डाल दो वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएंगी। जो कॉन्शियस माइंड है वो फिल्टर वहां से हट जाएगा, वो अंदर जाने देगा कॉन्शियस माइंड, अदरवाइज कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देता नहीं है। तो इमोशनली चार्ज जब वातावरण है तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा, नंबर दो। नंबर तीन, जब बार बार हम हैमरिंग करते रहते एक ही चीज़ के, एक समय पर बार बार हैमरिंग करेंगे तो कॉन्शियस माइंड का फिल्टर जो है वो फिल्टर से थ्रू एंड थ्रू कोई भी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी, जैसे हम किसको बार बार बोलते रहते हैं। तो चौथा जो है, कॉन्शियस माइंड को विचलित करके, कॉन्शियस माइंड को विचलित करके उसको बाजू करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचना है। ये हम सम्मोहन में करते हैं, हिप्नोटिज्म में करते हैं, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में उसमें करते हैं कि हम कॉन्शियस माइंड को थोड़ा बाजू में करते, उसको विचलित करते यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसा मैं आपको एग्जांपल दूँ कि भाई एक बहुत बड़ा महल है, सामने एक सिक्योरिटी मैन है, गार्ड है, और अभी वो गार्ड आपको अंदर नहीं जाने दे रहा। अब गार्ड जो है वो है कॉन्शियस माइंड, वो गार्ड आपको अंदर नहीं जाने दे रहा। आपको तो अंदर जाने का है वो महल में, तो आपको गार्ड के ऊपर आप उसको अच्छी अच्छी बातें करेंगे और उसको समझा देंगे और समझा कि आप वो आपको अंदर जाने देंगे, कि आपको अंदर जाना कितना महत्व का है, आपको अंदर जाने देंगे, आप अंदर चले जाएंगे महल में। नंबर दो, उसको कुछ खुशी की बातें सुनाएंगे, उसको बहुत खुशी की बातें सुना के उसका मूड अच्छा कर लेंगे, या उसको दुखी करेंगे, उसको दुख की बातें कुछ तो भी बता देंगे ताकि वो आपको बोलेगा ठीक है अंदर चले जाओ, कोई दुख की बात हुई है या खुशी की बात हुई है, बोलना ठीक है अंदर चले जाओ, महल में चले जाओ। तीसरा जो है, उसको बार बार हम समझाएंगे कि मेरा अंदर जाना कैसा महत्व का है, तो रिपीटेशन हैमरिंग से इतने बार बोलेंगे कि फिर आपको वो अंदर जाने देंगे, नंबर तीन। नंबर चार, उसका लक्ष्य जो है विचलित करना, मतलब उधर बॉम्ब फोड़ दिया, उधर चले गया, भाग गया वो और फिर अपन अंदर घुस गए, तो उसका लक्ष्य जो है विचलित करना, फिर सबकॉन्शियस माइंड तक जाना। मतलब क्या है यहाँ मुझे ये बताने का है कि सबकॉन्शियस माइंड तक हमको पहुँचने का है। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के जो चार बातें मैंने बताया कि भाई आप अच्छे अच्छे कॉन्फ्रेंसेस, वीडियो, बुक्स वगैरह पढ़ो और जो भी आपको डालना है वो सबकॉन्शियस माइंड में डालो, नंबर एक। नंबर दो, इमोशनली चार्ज वातावरण में आप सबकॉन्शियस माइंड तक जा सकते हैं। नंबर तीन जो है वो हैमरिंग करके जा सकते हैं। नंबर चार, हिप्नोटाइज करना, किससे, अपने खुद को हिप्नोटाइज कर लेना या सेल्फ हिप्नोसिस करना, और सेल्फ हिप्नोसिस करके या न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो NLP जो हम करते रहते हैं, और न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं वो पहुंचना, और जो भी बदलाव मुझमें लाना है, मेरे में, आपको लाना है, आप में, वो सबकॉन्शियस माइंड तक ही पहुंचना जरूरी है, और वो पहुंचने के मैंने आपको
अलग 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 तरीके बताए। तो यहाँ मैं इतना ही बताता हूँ, अभी अगले वीडियो में बताऊँगा कि हिप्नोटिज्म से हम सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो वो चर्चा हम करेंगे ताकि आपको एक एक्सेस मिलेगा कि जो भी आपको बदलाव लाना है, जो भी आपको अच्छी चीज़ करनी है, वो होती क्यों नहीं है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचने का तरीका हिप्नोटिज्म जो है वो मैं आपको बता दूंगा, सेल्फ हिप्नोसिस का। तो आपको उससे मालूम पड़ेगा कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा होगा कि भाई हमको ये जानने की ज़रूरत है, मगर वो उनको मालूम ही नहीं एक्सेस क्या है। आप ये वीडियो आपके सब परिवार में, दोस्तों में, जहाँ वहाँ आप सब ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर करो, ताकि लोगों को जो बदलाव लाने की इच्छा है ना, वो लाएंगे, उनको तरीके मालूम पड़ेंगे और उनका जीवन पावरफुल बन जाएगा। हमारा जो मिशन है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा, सब मानसिक स्वस्थ हो जाएंगे ना, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन आएगा उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की इंटीमेशन आपको सबसे पहले आ जाएगी। आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद में ऐसा लगा कि नहीं और वीडियो देखना है, लोगों को फैलाने का है, तो और बार बार देखो, ताकि अपने दिमाग में जाएगा ना, एक बार देख के होगा नहीं है, बार बार देखना पड़ेगा, ताकि आपको वे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।